ब्रिक्स समिट का हुआ समापन, ग्रीस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे ग्रीस। ग्रीस में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों जोरों पर, भारतीय समुदाय के लोगों में पीएम के आगमन पर खासा उत्साह। पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने को लेकर होगी चर्चा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे बातचीत। पीएम मोदी ग्रीस में रह रहे भारतीयों से मुलाकात करेंगे आज, सभा को करेंगे संबोधित। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, विक्की कौशल ने निभाया है उधम सिंह का किरदार। अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं अल्लू अर्जुन। पुरस्कार के ऐलान के बाद अल्लू अर्जुन के घर पर मना जश्न, हैदराबाद से अल्लू अर्जुन के घर के बाहर फैंस ने सेलिब्रेट भी किया। बॉलीवुड की दो फिल्में मिमी और गंगूबाई काठियावाड़ी का भी जलवा, मिमी से कृति सेनन तो गंगूबाई काठियावाड़ी से आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। लेडी डॉन की कहानी पर बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बेस्ट डायलॉग का अवार्ड जीता, आलिया ने निभाया किरदार और आभार जताया। फिल्म मिमी में शानदार अभिनय के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, पंकज त्रिपाठी ने कहा पिताजी जिंदा होते तो दोगुनी होती खुशी। कई रिकॉर्ड बनाने वाली साउथ की फिल्म आरआरआर ने भी कई अवार्ड्स जीते, आरआरआर को बेस्ट एक्शन, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट और बेस्ट मनोरंजक फिल्म का अवार्ड। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड श्रेया घोषाल को मिला, तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का मिल पुरस्कार आरआरआर के कला भैरव को। विवादों में रही फिल्म कश्मीर फाइल्स को भी राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए बेस्ट फिल्म और पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अवार्ड जीतने वाले सभी कलाकारों और फिल्म की पूरी टीम को दी बधाई। हिमाचल के कुल्लू की तीर्थन घाटी में दर का पहाड़, लाइव वीडियो आया सामने। कुल्लू में बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड का एक घर ध्वस्त, बारिश की वजह से घरों में आ गई थी दरार, 3 दिन पहले करवाया गया था खाली। असम के चिरांग में लगातार बारिश ने 3 गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा किए, सड़क रास्ते खेत सब तालाब में तब्दील। कोटद्वार में 3 दिन के बाद फिर नहीं खुला नेशनल हाईवे 534, आवाजाही पूरी तरह प्रभावित, आने जाने वालों को दूसरे रास्तों का लेना पड़ रहा है सहारा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अब ग्रीस के दौरे पर पीएम मोदी, 40 साल के बाद किसी भारतीय पीएम का ही ग्रीस दौरा। ब्रिक्स के विस्तार पर मुहर, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, अर्जेंटीना, इथोपिया होंगे जनवरी में शामिल, प्रधानमंत्री मोदी ने किया समर्थन। मोदी ने ब्रिक्स के नए सदस्य देश इथोपिया को दी बधाई, इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली और पीएम मोदी के बीच में द्विपक्षीय बातचीत। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के बीच में द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, आतंकवाद और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर चर्चा।